अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ लकी वन मॉल अपनी बहन असमा के साथ, और हम दोनों मिलने वाले हैं अपनी फ्रेंड से, और इनके साथ हमें कुछ शॉपिंग करनी है और लंच का प्रोग्राम है। तो दो फ्रेंड्स आने वाली हैं, एक है रुशमा जो कि असमा की बहुत क्लोज बेस्ट फ्रेंड है वो उसकी, और दूसरी फ्रेंड है नाजिया जो कि मेरी बहुत स्पेशल फ्रेंड है और उससे मैं 3 साल बाद मिलने वाली हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए, और वो अकेले नहीं आने वाली, वो अपने साथ अपने बेटे को बुलाने वाली है, तो उससे मिलने के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले हम लोग गए कारफोर, और वहाँ पे हमने नाजिया के बेटे के लिए कुछ चॉकलेट्स ली। जितनी देर में हमें चॉकलेट्स ली उतनी देर में रुशमा आ चुकी थी। तो ये वो प्लेस है जिसे मैं बहुत दफ़ा देख चुकी थी, लेकिन हमने कभी इसको एक्सप्लोर नहीं किया था, हमने कभी यहाँ पे पिक्चर्स नहीं ली थी, जो कि ये बहुत अच्छा व्यू है वीडियोज़ एंड पिक्चर्स बनाने के लिए। तो हम तीनों ने मिलकर यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ बनाई और पिक्चर्स क्लिक करी। तो फाइनली कुछ देर के बाद नाजिया भी आ गई थी अपने बेटे के साथ, और ये बहुत ही क्यूट एंड नॉटी है, और इनका नाम है उमर, बल्कि नहीं, इनका नाम है कर्नल उमर। और मैं ऑलरेडी उनके एनिमी लिस्ट में आ चुकी हूँ, पूरा टाइम मैंने इनसे दोस्ती करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उनसे दोस्ती नहीं की। शिकारी बन जा। तो शॉपिंग हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, कुछ चीज़ें रहती हैं बस वो लेना है, और उसके बाद हम जाएंगे अपना लंच ऑर्डर करने। बट उससे पहले हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स भी क्लिक की थी। सो फाइनली बिल्कुल ही थक हार के हमने शाम के 5 बजे अपना लंच ऑर्डर किया, और ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये फूड स्ट्रीट वाला एरिया जो सिस्टम अभी हुआ हुआ है कोरोना की वजह से मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, बट अब कुछ तो खाना था ही, तो हमने मैकडॉनल्ड से ऑर्डर किया। बहुत ही एवरेज बर्गर था, लेकिन भूख इस वक्त इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि इससे भी हमने खुशी खुशी गुजारा कर लिया। तो बस हमने फिर लंच किया, लंच के साथ साथ ढेर सारी बातें की, और फिर उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर एक्साइटिंग टॉपिक। तब तक आप मेरे बाकी के व्लॉग्स देख लें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।